राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच होगा। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। बीजेपी ने तो ऐलान कर दिया है कि वो वसुंधरा राजे को ही फिर से सीएम पद का उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। मुख्य विपक्षी दल की तरफ से साफ नहीं है कि सीएम उम्मीदवार कौन होगा। जब भी अशोक गहलोत से इस बारे में सवाल पूछा जाता है तो जवाब को वो गोलमोल घुमा देते हैं। चुनाव में मुद्दों के साथ साथ चेहरा भी जरूरी है। एक मजबूत चेहरे के दम पर ही पूरी पार्टी की नैया पार लगती है। पिछले चुनाव में बीजेपी ने मोदी के चेहरे के सहारे ही लोकसभा से लेकर देश के आधे से ज्यादा राज्यों में कमल खिलाया। इस बार राजस्थान के रण में भी बीजेपी पीएम मोदी के साथ साथ सीएम वसुंधरा राजे के चेहरे के दम पर मैदान में उतरने को तैयार है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक कोई उम्मीदवार तय नहीं किया। पार्टी केवल राहुल गांधी के सहारे हैं। हालांकि चर्चा अशोक गहलोत और सचिन पायलट के नाम पर भी जोरों पर है, लेकिन अभी तक किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया गया। इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए जब भी पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अशोक गहलोत से जवाब मांगा जाता है तो वो जवाब को गोलमोल घुमा देते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। सीएम पद की उम्मीदवारी पर अशोक गहलोत ने कहा कि अभी तो वार्म अप चल रहा है, अभी गेम शुरू होना तो बाकी है, जब गेम शुरू होगा तो बताएंगे। उन्होंने कहा कि आपको कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा कि सीएम का ताज किसके सर सजेगा। इससे पहले भी उन्होंने राजस्थान के रण को कौन बनेगा करोड़पति बनाया था। उन्होंने कहा था कि जैसे केबीसी में पता नहीं चलता कि कौन जीतेगा, वैसे ही हम भी नहीं बताएंगे कि कौन सीएम बनेगा। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस के पास सीएम पद के लिए दो चेहरे हैं। पार्टी युवा नेता कहे जाने वाले सचिन पायलट और सूबे के सीएम रहे अशोक गहलोत पर दांव लगा सकती है। दोनों को ही सूबे में कद्दावर माना जाता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने पत्ते खोलकर किस दिग्गज पर लगाती है दांव। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।